अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सभी सीक्वेंसेस में जो सबसे इजी और जो सबसे फंडामेंटल प्रोग्रेशन जिनके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कैसे जनरेट करते हैं पहले हम ये देखते हैं। मान लीजिए एक नंबर लिया हमने 1, अब एक काम करिए कि इसमें 5 ऐड करिए, कितना आ जाएगा 6 आ गया, फिर 5 ऐड करिए तो अब कितना आ गया हमारे पास 11 आ गया, फिर 5 ऐड करिए कितना आ गया 16 आ गया। तो देखिए एक नंबर हमने लिया था और उसमें हम कंटिन्यूअसली एक सेम नंबर कॉमन नंबर ऐड करते जा रहे हैं, 1 में 5 ऐड किया तो 6 आ गया, 6 में 5 ऐड किया तो 11 आ गया और 11 में 5 ऐड किया तो 16 आ गया, इस तरह से हम ऐड करते जा सकते हैं। अब इस सीक्वेंस की क्या खास बात है, ठीक है, अब देखो 6 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें यानी कि सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस कितना आ रहा है 5, क्योंकि हमने 5 ऐड किया था उतना ही आएगा, 6 से 11 का डिफरेंस कितना आ रहा है 5 और 16 से 11 का डिफरेंस 5, तो देखो सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म का डिफरेंस भी 5, थर्ड टर्म से सेकंड टर्म का भी 5 और फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म का डिफरेंस भी 5 आ रहा है। ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं सेम, अगर हम ऐसा मान के चलें कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस अगर सेम आए तो ऐसी प्रोग्रेशन को हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, इट मींस इफ द डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एनी सीक्वेंस इज कांस्टेंट देन दैट काइंड ऑफ प्रोग्रेशन इज नोन एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और ये जो डिफरेंस सेम है 5 5 5 आप देख रहे हो यानी कि डिफरेंस कॉमन है, इसलिए बोलचाल की भाषा में जिसको हम कॉमन डिफरेंस बार बार बोल रहे हैं उसका नाम भी है कॉमन डिफरेंस। द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। तो यह है इसकी डेफिनेशन। अब देखिए एक एग्जांपल से इसको देखते हैं। अब आपको पहचानना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। देखिए पहचानने की कोशिश कीजिए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। देखो 1 4 7 एंड 10 कैसे पहचानते हैं, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। 4 में से 1 गया तो कितना हो गया 3, 7 में से 4 गया तो कितना हुआ 3, 10 में से 7 गया तो 3, यानी कि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और इसका डिफरेंस कितना है 3, कॉमन डिफरेंस। एक और एग्जांपल लेते हैं, अब आप गेस करो कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। गौर से देखो और डी बताओ इसका कितना आएगा भाई 17 15 13 11, कम होता जा रहा है, 15 में से 17 गया तो -2, 13 में से 15 गया तो -2, यानी कि इसका कॉमन डिफरेंस -2। सही गेस किया, ये भी एपी है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है, जैसे हमने पहले भी इस बारे में जिक्र किया है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगर हम एक पर्टिकुलर टर्म को एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएं करते जाएं करते जाएं तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनेगी। अब देखो इसके लिए हम सबसे पहले एक नंबर लेते हैं सिर्फ 1, अब इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ गया 2, फिर इसको 2 से फिर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ गया 4, फिर इसको 2 से फिर मल्टीप्लाई कर दो फिर आ गया 8, करते जाइए तो 16 32, इनफाइनाइट तक आप जा सकते हैं। तो ये जो सीक्वेंस बनी है 1 2 2 4 8 16, ये कहलाती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। लेकिन इसको जो डिफाइन करने का तरीका है वो कुछ अलग है। देखो हर टर्म का प्रीवियस टर्म से फर्स्ट टर्म को छोड़कर रेशियो क्या है, जैसे 2 का 1 से रेशियो कितना है 2 बाई 1, यानी कि कितना हो गया 2। इसी तरह से देखो 4 का 2 से रेशियो कितना है 4 बाई 2 यानी 2, 8 बाई 4 इज इक्वल टू 2, यानी कि हर टर्म का अपने प्रीवियस टर्म से जो रेशियो है 2 2 2 है इस केस में, यानी कि ये कांस्टेंट है, ये रेशियो कांस्टेंट है, तो इस रेशियो को कहते हैं कॉमन रेशियो। तो अगर हर टर्म का प्रीवियस टर्म के साथ रेशियो सेम होता है कांस्टेंट होता है तो ऐसी प्रोग्रेशन को ऐसी सीक्वेंस को हम कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसे हम शॉर्ट में हमेशा जीपी बोला करेंगे। तो दे आर इन जीपी नाउ दिस वी कैन डिक्लेयर। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इन द सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो टर्म्स इफ ईच टर्म बियर्स द सेम कांस्टेंट रेशियो विद इट्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग टर्म देन that sequence is called as geometric progression and this constant ratio is called as common ratio। yani ki agar kisi bhi sequence mein har term ka apni previous term ke sath ratio constant hai to aise progression ko hum kehte hain geometric progression, aur jo constant ratio chal raha hai jo sab mein common hai that is called common ratio। ab hum baat karenge ki kuch examples ke through ki bhai ye geometric progression hai ki nahi hai। first example maine liya 3 9 27 81, ab aap identify karo ki ye geometric progression hai ya nahi hai।
चेक करो हर टर्म का पिछली टर्म से रेशियो, 9 डिवाइडेड बाई 3 3, 27 बाई 9 3, 81 बाई 27 3, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो इसका कॉमन रेशियो कितना होगा बताइए, R इज इक्वल टू 3। एक एग्जांपल अब आपके लिए, अब आप गेस करके मुझे बताओ ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या नहीं, और अगर है तो इसका कॉमन रेशियो कितना है। देखो 1 बाई 3, 1 बाई 9, 1 बाई 27, सही गेस किया है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और इसका रेशियो 1 बाई 3 है, 1 बाई 3 अपॉन 1, 1 बाई 3, 1 बाई 9 अपॉन 1 बाई 3, 1 बाई 3, 1 बाई 27 अपॉन 1 बाई 9, 1 बाई 3। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होती है, जिस तरह से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इसी तरह से एक और नई तरह की प्रोग्रेशन हम पढ़ेंगे जिसे हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहते हैं। लेकिन एक बहुत ही अच्छी ऑब्जर्वेशन पर हम ध्यान देते हैं कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होती है, इस कॉन्सेप्ट से हमें समझ में आएगा। देखो ये चार नंबर्स लिखे हैं 1, 2, 3, 4, ये कौन सी प्रोग्रेशन में है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, हम सब जानते हैं। अब देखो इन चार नंबर्स के साथ क्या हो रहा है, इन चार नंबर्स के साथ देखो ये बन गया 1/1, ये बन गया 1/2, ये बन गया 1/3 और ये बन गया 1/4। अब ये जो नंबर्स आ गए हैं ये आ गए हैं किसमें, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। अब खास बात यहीं पर लर्निंग वाली है कि 1/1, 1/2, 1/3 एंड 1/4 आर इन एचपी 9। तो एचपी क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है, देखो प्रोसेस पे ध्यान दो। हमने क्या किया था, 1, 2, 3, 4 को नीचे रेसिप्रोकल में लिया था, यानी कि हर टर्म को उलट दिया था, तो ये जो सीरीज बनी वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इसको हम ऐसा मानेंगे कि अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन की हर टर्म को हम रेसिप्रोकेट कर दें, उलट दें, तो जो नई सीरीज आएगी वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होना चाहिए। जैसे इस केस में देखो 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, इनको जब आप पलटोगे तो क्या आएगा, 1, 2, 3, 4 जो कि एपी में होंगे। इसलिए हम कहेंगे कि अगर किसी भी सीक्वेंस की हर टर्म को रेसिप्रोकेट कर दिया जाए तो नई सीरीज अगर एपी बनती है तो ही हम कहते हैं कि वो प्रोग्रेशन हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। तो इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, ए नॉन जीरो सीक्वेंस इज सेट टू बी इन एचपी इफ द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स टर्म्स आर इन एपी। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ओके। अब देखो अगर हम मान के चले जैसे एग्जाम्पल a1, a2, a3 आर इन एचपी, कब होगा ये, इफ एंड ओनली इफ 1/a1, 1/a2, 1/a3 अप टू 1/n आर इन एपी, यानी कि अगर उनकी रेसिप्रोकल टर्म्स एपी में है तो गिवन सीक्वेंस कहलाएगी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि रेसिप्रोकेट करो यार उल्टा कर दो, सीधी सी बात है, और उल्टा करने पर अगर एपी बनती है तो वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। अब देखो कुछ एग्जांपल लेते हैं, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, ऑब्वियसली रेसिप्रोकल क्या है, 1, 2, 3, 4, तो ये एचपी में है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, -1/4, -1/1, 1/2, 1/5, चेक करो ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। अरे रेसिप्रोकल कर लो, क्या रहा है रेसिप्रोकल, -4, -1, 2, 5, ये एपी में है। देखो -4 से -1 तक जाएंगे तो कितना आएगा, +3, -1 से 2 जाएंगे तो +3, 2 से 5 जाएंगे तो +3, यानी कि एपी में है, इसलिए -1/4, -1/1, 1/2, 1/5 एचपी में है। अर्थमेटिक को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसे हम कई बार अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं, जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम भी है। अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि इसमें हम क्या करते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करके एड कर देते हैं। जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की पहली टर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की पहली टर्म को मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरी को दूसरी से किया, तीसरी को तीसरी से किया और फिर एड कर दिया, तो ये जो रिजल्टिंग सीरीज बन रही है इसको हम कहते हैं अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब देखिए इसमें कैसे क्या होता है, एक बार देखते हैं कि कैसे इसकी फॉर्मेशन होती है। देखिए चार नंबर्स हमने लिए, इस तरह के बहुत सारे नंबर्स हैं, ये नंबर्स किसमें है, 1, 2, 3, 4, जरा देख के बताइए, ये नंबर्स हैं एपी में, ठीक है। अब कुछ नंबर्स हम जीपी में लेते हैं, x, x2, x3, x4, ये किसमें है, जीपी में है। अब देखो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करके एड करना है, यानी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। कैसे बनेगी, देखो ये वन आया और इसके साथ इसका प्रोडक्ट हो गया, फिर इसी तरह से टू आया, टू का इसके साथ प्रोडक्ट हो गया, फिर थ्री आया, थ्री का इसके साथ प्रोडक्ट हो गया, फोर आया, x4 के साथ इसका प्रोडक्ट हो गया, और इस तरह से ये जो 1 × x, 2 × x², 3 × x³, 4 × x4 जो सीरीज बनी है, इट इज दे आर इन एजीपी, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इट मींस
व्हाट इज एजीपी? एजीपी का सिंपल कॉन्सेप्ट है कि हम इसको कह सकते हैं ए प्रोग्रेशन हुज ईच टर्म इज फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाइंग द कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ एन एपी एंड ए जीपी इज कॉल्ड एज द अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यानी कि एपी की और जीपी की कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को अगर हम मल्टीप्लाई करके एड कर दें तो जो हमारी रिजल्टिंग सीक्वेंस बनेगी या सीरीज बनेगी वो कहलाएगी अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एजीपी। एजीपी में अगर हम एक एग्जांपल लें, जैसे ये देखिए 1 3x 5x² 7x³, क्या ये एजीपी है? ये एजीपी तभी है जब हम इसमें से एक एपी देख सकें और एक जीपी देख सकें। तो देखिए एपी इसमें से क्या है 1 3 5 7, जीपी क्या है 1x x² x³। तो ये देखिए इसमें से हमने एपी अलग कर दी 1 3 5 7, ये रही, और जीपी भी अलग कर दी, तो ये जीपी हमारी 1x x² एंड x³। तो अल्टीमेटली इस तरह की जो सीरीज है दैट इज कॉल्ड एजीपी अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में एजीपी।